ladies and gentlemen, to delight to have you on board SpiceJet flight SG187 from. ₹100 में टोपी सेल कर रहे हैं यहाँ ये सर बस आज तो हमारे साथी कति धेरै राम्री राम्री भरी हिड़ने रहे आमेर फोर्ट को यतापटी सिटी रहे दामी ए किसका बच्चा ए उठाओ माया लाग्दो नाइस नाइस ग्रेट वॉल अफ चाइना चाहिए यो भइसक्यो देख्दा त आमेर फोर्ट एकदम दामी मतलब कि हिंदी में सीसा भनेको यहाँ रानी नौ थे अरे पहिला तपाईहरु रानी को मल हेरेर कस्तो लाग्यो यहाँ कस्तो लाग्यो Good afternoon, ladies and gentlemen. To delight to have you on board SpiceJet flight SG187 from. A special welcome to our SpiceJet members traveling with us today. Our flying time will be 1 hour and 35 minutes. This flight is under the command of Captain Sahil Talwar and Second Command First Officer Vijeta Sasdeva. Your cabin team today is Rupali, Jyoti, Shrishti, and I am Kopan, your senior cabin crew. Thank you. इस तरह और पेटी खोलने के लिए स्टफ लैप उठाएं कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन काम अपने आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे कुर्सी पर बैठे रहे मास्क को अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें अपना मास्क पहले पहने और फिर किसी की सहायता करें इस विमान में 8 द्वार है दो विमान के पिछले भाग में 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार विमान के आगे की ओर है आपका निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है कैबिन में अंधेरा होने की स्थिति में ये एग्जिट पाथ लाइट आपको निकटतम द्वार तक पहुँचाने में मदद करेंगी गुड मर्निंग गाइस आज से फिर हम यहाँ आमेर फोर्ट में आक छो ये जयपुर को आमेर फोर्ट हो यहाँ तब टोपी किन्न सकने 100 रुपीस अरे राजस्थानी टोपी हो एकदम दामी रहे यहाँ मुनि पानी में रहे वाह पड़े वाह आमेर फोर्ट को एंट्रेन्स अगड़ी बट रहे यहाँ अब 100 रुपीस में टोपी सेल कर रहे यहाँ टूरिस्टर पूरा आँदा आमेर फोर्ट में एकदम दामी रहे अगि 100 रुपये में दीदी अभी 50 रुपये अरे यहाँ बड़ा एंट्रेन्स रहे सर टिकट काट्नु पर्छ है पर्दैन फ्री हो त्यही हो ए टिकट तो अंत 4% ए सर काट्न पर्ने रहेछ नि हो टिकट काट्नु पर्ने रहेछ पर हेड के भन्छ 100 रुपीस रहेछ सर तर
15 जना गएछ भने चाहिँ 600 रुपियाँ मात्रै छ अफर रहेछ, यहाँनिर हेरिहाल्नुहोस्। पर हेडको चाहिँ 100 रुपियाँ रहेछ नभए। सो एन्ट्रेन्स यहाँबाट आमेर फोर्टको यहाँ भित्र सपिङ रहेछ उसको, आमेर फोर्टको। हेलो, ग्रुपिङ फोटो चलिरहेको छ यहाँनिर। हो त्यो परेवा उडाउनु मन लाग्यो मलाई। हेर्नु परेवा कति मजाले बसेको बाफे। यहाँनिर यसरी सेल गर्नु बोकेको हुँदा रहेछ यो बुद्धको मन्दिरहरू, ए के अरे मूर्तिहरू। अब चाहिँ सिँढी सिँढी उकालो हिँड्नुपर्ने रहेछ। बाफ्रे निकै माथि पुग्नुपर्छ जस्तो छ। यसरी सेलमा राखेको हुँदो रहेछ राजस्थानी सामान हो सबै, यो सुजहरू केटीहरूको लागि स्पेसली। यस यस, म अलिक डिस्काउन्टमा तपाईँ सबैजनालाई 20 रुपिस। यसरी सिँढी सिँढी हिँड्नुपर्ने रहेछ। ओ वा, उठमा पनि चढ्दा हुन्छ जस्तो छ। उही माथि उठ रहेछ, देखेको छैन। उठमा नचढ्ने तपाईँहरू हा, चढ्नुपर्छ गएर। यस सर, बस। वाउ, अब पुग्नु आँटे फाइनली। सिँढी सिँढी हिँड्नुपर्ने छ। यसरी सिन देख्दो रहेछ। आएर न, यो चाहिँ पोखरी हो कि यो खोला हो थाहा छैन, तर राम्रो देख्दो रहेछ। आज त हाम्रो साथीहरू पनि कति धेरै राम्री राम्री भएर हिँडेको रहेछ। अरू बेला चाहिँ खासै होइन, आज चाहिँ धेरै राम्री भएर हिँडेको रहेछ। एलिफेन्टसँग फोटोग्राफी नट अलाउ अरे। कति राम्रो फोर्ट नि, त्यही त एकदमै एकदमै दामी लाग्यो मलाई पनि। कम्पाउन्डहरू पनि वा, यसरी बिच बिचमा यसरी बेच्ने राखेको हुँदैछ। अझै माथि जानुपर्ने छ बाफ्रे। आमेर फोर्टको यतापट्टि सिटी रहेछ एउटा दामी, लाइक यो चाहिँ लेकसेप जस्तो रहेछ उता सिक्किमको भन्छ, किनभने बिचमा के एकदम दुइटा उसको बिचमा पहाडको बिचमा। पापड अरे यो, के को पापड हो सर? पापड ट्राई गर्नु न, आउ त ट्राई गरौँ है। फाइनली फोर्टको छेउमा हामी वा, यहीँनिर यसरी हामीले हाम्रो नाम भनेर यो के भन्छ यो डल्लो डल्लोमा अल्फाबेट रहेछ, अनि यहाँनिर यो अल्फाबेटले चाहिँ आफ्नो नाम लेखेर चाहिँ एउटा त्यस्तो ब्रासलेट जस्तो बनाइदिँदो रहेछ। नानी कति मजाको रहेछ। ओ किसको बच्चा, ए उठाओ माया लाग्दो, कस्तो नानी नउठाइकिन। वाह, के रहेछ यहाँ फेरि अब दादा कुछ गाके सुनाइए ना।
क्या बोलते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट को, रावण अत्ता। नाइस नाइस। नाइस वन नाइस वन। सो अब माथि जानु पर्छ फेरि ढिलो हुन्छ। फेरि यहाँनिर एलिफेन्ट रहेछ। फाइनली यहाँ रहेछ यो चाहिँ फोर्ट। आगे बढो भाइ, गेट से आगे बढ़ते रहो। माथि पनि रहेछ अझै चढ्ने भने। ऊ माथिको फोर्ट पनि, बाफ्रे, ग्रेट वाल अफ चाइना चढाए जस्तो भइसक्यो देख्दा त। कहीँ चाहिँ अब चाहिँ यहाँ माथि आमिर फोर्टको एन्ट्रेन्स अरे, यहाँभित्र मेन ऊ छ अरे, मल छ अरे। अब जाँदैछौँ अन द वे हो। सिनी सिरी रहेछ, निकै ठुल्ठुलो सिनी रहेछ यहाँ त। यहाँनिर पनि सेम गाइस, सेक्युरिटी चेक। यहाँनिर टिकट काट्नु पर्ने रहेछ। अब यहाँनिर चेकिङ पोइन्ट, अब टिकट लिइसकेको रहेछ। टिकटको भित्र जाँदैछौँ हामी यहाँभित्र। यहाँभित्र हल्ला गर्नु एलाउ छैन रे। औ नाइस। यहाँबाट तपाईँहरूलाई म तलको सिन देखाउँछु। यस्तो रहेछ आमिर फोर्ट, एकदम दामी। तपाईँले पर पर देख्नुहुँदैछ, त्यहाँ पनि जाँदा मिल्ने रहेछ। लाइक यो इट्स काइन्ड अफ यो के भन्छ, ग्रेट वाल अफ चाइना जस्तो क्या। यहाँबाट उता पर पर त्यो पर रातो देखिरहनु भयो, त्यता पनि जानुहुने। अनि यहाँबाट अझै माथि 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 पनि छ रहेछ पुरा, एकदमै बेसी ठुलो। आमिर फोर्ट त घुम्नुको लागि तपाईँहरूलाई मिनिमम 2 आवर्स चाहिँ लिएर आउनुपर्ने रहेछ। एकदम ठुलो, सबै राम्रो घुम्ने भने चाहिँ नभए पनि 3-4 आवर्स चाहिँ लाग्नु रहेछ तपाईँहरूलाई आमिर फोर्ट घुम्नुलाई, मजाले घुम्ने हो भने चाहिँ। Not more than one word. So, मैं सबको हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आप जिस लोग जिस जगह खड़े हुए हैं, इसको कई लोग गलती से किला बोलते हैं। ये किला नहीं है, ये पैलेस है। किला ऊपर बना हुआ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट। जिधर हम लोग खड़े हैं इसको बोलते हैं आमिर महल, आम्बर पैलेस। इस पैलेस में आने के लिए 2 मुख्य एंट्रेंस गेट है।
सामने वाले चौक के अंदर दो दरवाजे, एक लेफ्ट साइड में एक इधर राइट में। जो राइट वाला दरवाजा है पूर्व दिशा को देखता हुआ है, इसको सूरज पोल के नाम से बोलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में सूर्य इधर से निकलता है। वो दरवाजा पश्चिम को फेस करता है, उसका नाम चांद पोल, मून गेट, सन गेट। उस जमाने में रॉयल फैमिली के लोगों का एंट्री सूरज पोल से होता था, कॉमन लोगों का, सामान्य लोगों का एंट्रेंस चांद पोल गेट से होता था। दोनों गेट का डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस। बीच में जो जगह है यहाँ परेड ग्राउंड, राजाओं के सैनिकों का परेड ग्राउंड, जहाँ से टिकट विंडो बना हुआ, नीचे की तरफ जो बिल्डिंग खाली है यहाँ राजाओं के घोड़े खड़े होते थे, हॉर्स वगैरह, हॉर्स स्टेबल। ऊपर की तरफ जो रूम बने हुए हैं, रूम में सिक्योरिटी गार्ड्स के रहने के लिए 10% सोल्जर्स इधर रहते थे, 90% सोल्जर्स फोर्ट में रहते थे। फोर्ट और पैलेस दोनों सुरंग से कनेक्टेड है। जब बाहर निकलेंगे हम लोग तो आपको सुरंग का रास्ता भी दिखाएंगे, सुरंग बना हुआ है टनल इमरजेंसी के लिए। जिस पैलेस को, जयगढ़ फोर्ट को, आमेर गांव को प्रोटेक्शन करने के लिए 12 किलोमीटर का प्रोटेक्शन वॉल पहाड़ के ऊपर, ये पूरा 12 किलोमीटर का प्रोटेक्शन वॉल, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन वॉल दुनिया का, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड नंबर कुंभलगढ़ 35 किलोमीटर, थर्ड नंबर आमेर का 12 किलोमीटर का प्रोटेक्शन वॉल के बीच बीच में वॉच टावर बने हुए हैं सामने, वॉच टावर फॉर द सोल्जर्स। अगर उधर कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ का सोल्जर्स, यहाँ के सोल्जर्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए बड़े बड़े रिफ्लेक्शन ग्लास, अदरवाइज अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के झंडे। रात में प्रॉब्लम होगा तो मशाल जलाएंगे, इसके अलावा ड्रम्स बजा के एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। उसके लिए वॉच टावर बने हुए हैं सब जगह। ये पूरा पैलेस तीन जनरेशन ने मिलकर बनाया, 135 साल इसको बनाने में लगे, तीन कोर्टयार्ड में डिवाइडेड है। अभी हम लोग फर्स्ट कोर्टयार्ड में हैं, इसको दीवाने आम के नाम से बोलते हैं। सेकंड कोर्टयार्ड आएगा दीवाने खास, उसके बाद थर्ड कोर्टयार्ड महाराजा मानसिंह जी का, सबसे पुराना वाला पार्ट पीछे बना हुआ है महाराजा मानसिंह जी का 1580 के अंदर। उसके बाद बीच का पोर्शन बनाया दीवाने खास जय सिंह जी का, उसके बाद थर्ड नंबर दीवाने आम के नाम से ये होल बोलते हैं इसको, दीवाने आम, ये सवाई जय सिंह जी ने बना के जयपुर 1727 में जयपुर जाके शिफ्ट हो गए सिटी पैलेस में। इस पैलेस के अंदर तीन कोर्टयार्ड बने हुए हैं, अभी हम लोग फर्स्ट में, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। सामने जो होल बना हुआ है इसको दीवाने आम के नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दीवाने आम का मतलब आम पब्लिक की समस्याओं को दूर करने के लिए राजा उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, उस जगह को दीवाने आम बोलते हैं। दूसरा जगह अंदर आएगा दीवाने खास, उसका मतलब राजाओं के खास मिलने जुलने वाले लोगों को अंदर एंट्री अलाउ होती है, उसको दीवाने खास बोलते हैं। इंडिया में किसी भी फोर्ट पैलेस में घूमने जाएंगे, चाहे वो हिंदू फोर्ट हो चाहे मुस्लिम फोर्ट हो, दीवाने आम और दीवाने खास दोनों वर्ड आपको सुनने को देखने को मिलेगा। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे दीवाने आम, थोड़ा अंदर जाएंगे दीवाने खास। सामने जो दरवाजा बना हुआ उस दरवाजे को बोलते हैं गणेश पोल, पोल का मतलब होता है दरवाजा। ऊपर गणपति का फोटो बना हुआ पेंटिंग के रूप में, जितना भी पेंटिंग बना उसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, ये नेचुरल वेजिटेबल ऑर्गेनिक कलर से बनाई जाती है। जितना भी पेंटिंग देख रहे हैं, जब से पैलेस बना हुआ ऐसी चीजें कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। आज के 300-400 साल पहले कपड़ों को रंग करने के लिए, दीवारों पर पेंट करने के लिए कोई प्रकार के केमिकल्स यूज नहीं होते थे। आज भी हमारे आमेर गांव के अंदर काफ़ी कारीगर लोग हैं, वो नेचुरल सिस्टम पे काम करते हैं। ग्रीन सब्जियों से ग्रीन कलर बनाते थे, हरी सब्जियों से हरा कलर, पीले कलर के लिए हल्दी वगैरह लेते थे, इसके अलावा कई प्रकार के जड़ी बूटियों को, फूलों को सड़ा करके गला करके फिर रंग बनाते थे, इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। ऊपर जो बड़ी जाली बनी हुई है उस जाली में से रानियां फूल वगैरह डाल के राजाओं का वेलकम करते थे जब वो कोई फंक्शन प्रोग्राम में से लौट के आते थे। नीचे की तरफ जो जाली बनी हुई, जालियों की बनावट ऐसी है, अंदर से कोई लेडीज वगैरह होगा बाहर होने वाला फंक्शन प्रोग्राम को देखेगा, हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम होता था, लेडीजों का बाहर निकलना अलाउ नहीं होता, तो उस हिसाब से नीचे की जालियों की बनावट है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करते हैं पहले गणपति का फोटो लगाते हैं, यहाँ पेंटिंग के रूप में गणपति का डिजाइन किया हुआ है। मुंबई में सिद्धि विनायक गणपति का फोटो है, उनका जो सूंड है पूर्व दिशा की तरफ देखता हुआ है, यहाँ भी गणपति जी का जो सूंड है पूर्व दिशा को डायरेक्शन कर रहा है, वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ दरवाजा है जय सिंह जी का। बिल्डिंग के पीछे की तरफ देखेंगे हम लोग, एक गार्डन बना हुआ भी दिखाऊंगा आपको वहाँ चल के, एक पानी के बीच में तालाब में एक गार्डन बना हुआ, उसको बोलते हैं केसर गार्डन, सेफ्रोन गार्डन। जब यहाँ के राजा कश्मीर घूमने गए थे अपने साथ में कुछ पेड़ लेके आए थे सेफ्रोन के, उन्होंने ट्राई किया था लेकिन लगा नहीं क्योंकि जो एनवायरनमेंट है केसर उगाने के अकॉर्डिंग नहीं है। इवन कश्मीर में भी सब जगह केसर पैदा नहीं होता, पर्टिकुलर एक जगह पंपोर करके, पंपोर
और बांदीपुरा, दो जगह केसर का खेती ज्यादा होता है इंडिया में, वो वहां जाके देखेंगे हम लोग। वहीं केसर गार्डन के अंदर रोजाना प्रोग्राम होता है, शाम को इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो 6:30 से 7:30 पहला शो इंग्लिश का होता है, दूसरा शो 7:30 to 8:30 हिंदी में होता है, एक एक घंटे का प्रोग्राम होता है, ₹250 का उसका एंट्रेंस टिकट होता है। सब लोगों को अगर ध्यान से सुनना है, पैलेस का आनंद लेना है, प्लीज मेरे को फॉलो करेंगे। अंदर में कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं, अगर आप लोग इधर उधर भटक जाएंगे मोबाइल भी काम नहीं करेगा आपका, तो कंटिन्यू प्लीज मेरे को फॉलो करिए। मैं आपको फोटोग्राफी के लिए 5 मिनट का 6 मिनट का टाइम दूंगा, उस जगह पे आप फोटो लेंगे तो वापस मेरे साथ अंदर चलेंगे, ठीक है? क्योंकि अंदर खोने का डर है, इसलिए प्लीज कंटिन्यू मेरे को फॉलो करना आपको, प्लीज कम मेरे को आगे आने दीजिए। सो गाइज, हामीले गाइड एउटा लिएको थियो होइन, सो गाइडको इन्फर्मेसन अनुसारले तपाईँहरूले पनि सुनिहाल्नु भयो के भन्नुभयो भनेर। सो हाम्रो गाइड यहाँ अगाडि हिँड्नुहुँदैछ, अब उहाँको पछाडि हिँड्नु अरे, फेरि हराउने डर छ भनेर कुरा गर्नुहुँदैछ। अब जाँदैछौँ हामी, सो गाइज यहाँबाट भ्यू देख्ने रहेछ, सो सबैजनाले क्लिक गरिरहेको छ हो। त्यो भ्यू रहेछ यहाँमाथिबाट हो, प्यालेसबाटको भ्यू हुँदो। ओके, जहाँबाट आयो त्यहाँको भ्यू चाहिँ हो। अब अघि गाइडले भनेको अनुसारमा चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ महल छ अरे, अब जाँदैछौँ। So we are moving towards Kiwanekha. Pura beshi bhid. राजाको गार्डन, यो चाहिँ एन्ट्री रेस्ट्रिक्टेड अरे। ओ, यता जानु भन्छ हाम्रो गाइड यता रहेछ। यहाँभित्र जानुपर्ने रहेछ, भित्र यहाँभित्र नेटवर्क पनि हुँदैन, नेटवर्कले काम गर्दैन अरे, नभट्किनु अरे यहाँभित्र। वाह, यताउता पुरा डोरहरू निक्लेको रहेछ, यस्तो डोरहरू कतिवटा खुल्ला रहेछ, कतिवटा बन्द रहेछ, सो नभट्किनु अरे यो भित्र। कस्तो राम्रो चिजले बनेको होइन नि, यता निक्ल्यो अब। यहाँ निस्किँदो रहेछ, फेरि अर्को सुरङबाट होला। महाराजा जयसिंह जी का बनाया हुआ है। जयसिंह जी के दो रानियां थी, दोनों रानियों के रहने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग मौसम के महल बनाए। ऊपर वाला गर्मी के मौसम का डोली और पालकी के आकार के रूप में डिजाइन किया हुआ है। उसके नीचे वाला दीवाने खास शीश महल, ग्लास पैलेस, बेल्जियम से इम्पोर्टेंट ग्लास लगे हुए हैं, कॉन्वेक्स ग्लास सर्दी में रहने के लिए। सामने वाला बारिश के लिए दोनों तरफ से खुला है, एक कॉर्नर इधर से ओपन है, एक कॉर्नर आगे से ओपन है, उसको बोलते हैं बारिश के लिए। दो दो रानियों के 3 मौसम के बेडरूम, दो बेडरूम इधर है, दो बेडरूम पर समर पैलेस और स्प्रिंग, 3 अलग अलग मानसून। बीच में जो गार्डन बना हुआ है, गार्डन का डिजाइन नीचे दरवाजे पे बनाया हुआ है हाथी दांत से, अभी नीचे चल के दिखाएंगे। रानियों के कपड़े कॉस्ट्यूम्स बहुत भारी होते थे, उनको पहन करके आने जाने में परेशानी नहीं, उसके लिए होती थी रिक्शा गाड़ी, व्हील चेयर को चलाने के लिए होते थे। ट्रांसजेंडर्स, किन्नर लोग, भारी काम करने के लिए किन्नर होते थे, हल्का काम करने के लिए उनकी दासियां होती थी। ऊपर किला बना हुआ है, उसको बोलते हैं जयगढ़ फोर्ट, विश्व की सबसे बड़ी तोप उधर रखा हुआ है,
सबसे बड़ा कैनल, लार्जेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड जैगर फोर्ट में रखा हुआ है। ऊपर झंडा लग रहा है, अगर दो झंडा होगा इसका मतलब राजा जयपुर सिटी में है, अगर एक झंडा होगा इसका मतलब राजा आउट ऑफ जयपुर है। अभी उधर दो झंडा लगा हुआ है, हवा चलेगा दिखेगा आपको, पर मेरा डायरेक्शन दिख रहा है आपका, दो झंडा होगा इसका मतलब हमारा जयपुर का राजा आज जयपुर में मौजूद है, एक झंडा होगा इसका मतलब वो आउट ऑफ जयपुर गया हुआ है। अभी सब लोग उधर वॉच टावर में चलेंगे, फिर वॉच टावर से नीचे चलेंगे, सब लोग मेरे पीछे पीछे रहेंगे, मेरे को आगे आने दीजिए। अरे राजा अझै जिन्दा? जेनेरेसन उनीहरूको पुस्ता पुस्ता चाहिँ होला हौ, पुस्ता त्यही त ए बनाउने राजा छ भने त बाफ्रे देखे झन्डा दो झन्डा भी दो झन्डा राजा यही मतलब यहाँ पर सर कुन चाहिँ झन्डा त्यो परको भन्नुभएको त्यो परको त्यो अभिको राजाको नाम के अभिको राजाको नाम सबै पद्मनाभ सबै पद्मनाभ पद्मनाभ सबै पद्मनाभ यो चाहिँ टावर रहेछ बा यो हो नि त हौ बाफ्रे ये सब सर्वेंट क्वार्टर नीचे इधर रानियों के साथ जो सर्वेंट्स होते थे ना उनके क्वार्टर बने हुए सर्वेंट क्वार्टर नीचे से सुरंग का रास्ता बना हुआ है राइट के अंदर एक छोटा रास्ता है वहां से सुरंग जा रहा है ऊपर कोर्ट पर वो जो गेट है वहां पर कड़ाई रखा हुआ है ये शूटिंग हुआ था इधर जोधा अकबर मूवी का शूटिंग हाँ उसके अंदर ऐश्वर्या राय ने खाना बनाते हुए शूटिंग में नाटक किया था खाना नहीं बनाया था वो नकली का नाटक ही किया नकली का कड़ाई है अभी नीचे चल के दिखाएंगे आपको ये वॉच टावर है रानियों के बैठने के लिए वॉच टावर होते थे इधर वो सामने प्रोटेक्शन गोल है बीच बीच में वॉच टावर बने हुए हैं और भी नहीं वो दूसरा किला है ये नहीं है मेरे को आने दीजिए इधर यहाँनिर फेरि अर्को टनल रहेछ फेरि यहाँबाट जानुपर्ने छ यस्तो डिजाइनहरू बनाएको रहेछ एकदम डरलाग्दो महलभरि पुरा डिजाइन रहेछ पुरा डिजाइनै डिजाइन भित्र पुरा टनलै टनल रहेछ यसरी पुरा टनल टनल हिँड्नुपर्ने रहेछ पुरा बिर्सिन्छ नि एकदम पसिरहेछ फेरि यता गाइड यता गएको छ सो गाइडलाई फलो गर्नु भनिरहेछ मोबाइलको नेटवर्क काम गर्दैन रे भित्रभित्र पस्छ अरे बाफले पर पर परसम्म रहेछ अझै हामी चाहिँ यता निस्किन्छौँ हाम्रो गाइड त कम्ती छिटो हिँड्दैन छ नि बाफ रे कस्तो दामी हो मेटलमै डिजाइन गरेको रहेछ हौ एकदम दामी रियली नाइस यो चाहिँ सिस महल अरे मतलब कि हिन्दीमा चाहिँ सिसा भनेको यो चाहिँ सिसा महल अरे नेपालीमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तो दामी भयो फेरि पुरै सिसै सिसा कम्प्लिट सिसा मलाई एकदम मन पऱ्यो है यो चाहिँ यो घर चाहिँ एकदम दामी लाग्यो प्यालेस पनि सबै जग्गा म यहाँको राजा भएको भए आमा सर तपाईँ यो तपाईँ यो महलको राजा भए भए के गर्नुहुन्थ्यो सर अनि तपाईँ रानी भए के गर्थ्यो रानी भए के गर्थ्यो चलाउनु
अकबरको तिनवटा केटीमा फोर्थ केटी हुनु रेडी फेरि अर्को टनल आमा भूतको मुभी सुटिङ गर्नु गएको छ है नीचे चारों डायरेक्शन में टोटल 12 बने हुए हैं हर रानी के पास ऊपर से नीचे आने के लिए सबके लिए सेपरेट सेपरेट एंट्रेंस जिस वाली रानी के पास आने के लिए यहाँ से एंट्रेंस है नेक्स्ट वाले के लिए नेक्स्ट कॉर्नर नेक्स्ट वाले के लिए नेक्स्ट 12 रानियां नीचे ऊपर से नीचे आने के लिए सेपरेट सेपरेट 12 एंट्रेंस बने हुए हैं 12 रानियों का ये ओपन बार टब का नहाने के लिए या दूसरे लोगों का एंट्रेंस अलाउ नहीं होता था ओनली रानियां होती थी ट्रांसजेंडर होते थे राजा होते थे इसलिए इस जगह को लेडीज अपार्टमेंट के नाम से भी बोलते हैं रानी का अंदर कमरा खुला हुआ है उसको देख करके सब लोग वापस बाहर आइए ये नहाने के लिए ओपन बार टब का पहले जाइए रानी का कमरा देख के आइए अंदर यहाँनिर रानी नहुँथ्यो अरे हो पहिला यहाँनिर ओपन बाटप अरे रानी नहुँदा कोही आउनु पाउँथेन अरे राजाहरू मात्रै अरे राजाहरू होइन राजा मात्रै 12 रानीमा यो चाहिँ रानीको रुम अरे यहाँभित्र अब खोइ रानीको रुम चाहिँ यति हो खोइ अन्त केही छैन त रानी चाहिँ केमा सुत्यो ला सकेछ यति नै रहेछ यो अलिक राजाले माया नगर्ने रानी थियो होला हौ यो तपाईँहरू रानीको मल हेरेर कस्तो लाग्यो यहाँनिर कस्तो लाग्यो अनि के हो अनि रानी त अनि यस्तोमा सुत्यो त कस्तो रहेछ एउटा क्याफे पनि रहेछ हौ बा मलभित्र अहिले पनि स्टिल यो प्रेजेन्ट नै खोलेको होला हेर वा दामी छ यहाँ भित्र पनि जाने दोकानभित्र त्यहाँनिर फोटो भिडियो अलाउ छैन अरे हो त्यहाँनिर त्यो के चलिरहेछ यहाँ त बा यहाँनिर चाहिँ जोधा अकबरमा चाहिँ ऐश्वर्य राईले यो कराईमा खाना पकाएको थियो जस भिडियोको मात्रै यसको लागि मात्रै के छ यहाँनिर होइन सर अलिक पछाडि भयो कि म 138 इयर लाग्यो घरि पुरा कम्प्लिट यो प्यालेस र फोर्ट बनाउनुको लागि Yeah.
सब ये आमेर फोर्ट को ही सब स्टोन रहे स्टोनम आमिरपुर को मंदिर रहे यहाँ शूज रिमूव कर जान पर्ने गए तिम्रो गए आने यहाँ मंदिर रहे आमेर फोर्ट को एउटा भगवान रहेछ यहाँ मंदिर यहाँ एंट्रेंस यहाँ रहेछ हो फोटोग्राफी अलाउ छैन रे यो चाहिँ मन्दिर भित्रको हो यहाँ भित्र भगवान भित्र हुनुहुन्छ हो यो घन्टी रहेछ हो यति नै रहेछ यहाँनिरको आमिर फोर्टको मन्दिर चाहिँ यो चाहिँ आमिर फोर्टको जगन्नाथजीको मन्दिर अरे नि अब यहाँबाट चाहिँ डाउन निस्किनु पर्नेछ अघि चाहिँ भित्र पस्यो हो अहिले चाहिँ अब बाहिर निस्किने बाटो चाहिँ यो रहेछ